जुमलेबाजी, बहुत हुई जुमलेबाजी, बहुत हुई जुमलेबाजी। जम्मू का रोजगार खाने वालों को, जम्मू की बर्बादी लाने वालों को, जम्मू का व्यापार खाने वालों को, जम्मू का व्यापार खाने वालों को, जम्मू की बर्बादी लाने वालों को, जम्मू का रोजगार खाने वालों को, जम्मू के साथ विश्वासघात करने वालों को, जम्मू का व्यापार खाने वालों को, जम्मू का रोजगार खाने वालों को, जम्मू की संस्कृति मिटाने वालों को, जम्मू की पहचान मिटाने वालों को, जम्मू का रोजगार खाने वालों को, जम्मू का व्यापार खाने वालों को, बहुत हुई जुमलेबाजी, बहुत हुई जुमलेबाजी, बहुत हुई जुमलेबाजी, बहुत हुई जुमलेबाजी, बहुत हुई जुमलेबाजी। ये आज का हमारा जो प्रदर्शन है जम्मू संभाग के हितों के लिए है, उनके अधिकारों का जो लगातार हनन किया जा रहा है उसको लेकर है। एक राजनीतिक पार्टी और राजनेताओं जिन्होंने जम्मू के साथ भेदभाव के नाम पर, भेदभाव के मुद्दे को उठाकर सबसे ज़्यादा जन समर्थन लिया और जम्मू से मुख्यमंत्री आने वाला जम्मू से होगा, ऐसी हुंकार भरने वालों के शासनकाल के अंदर ही जम्मू संभाग के हितों का सबसे ज़्यादा हनन किया जा रहा है। जम्मू संभाग की विधानसभा सीटों के साथ जो नाइंसाफी शुरू हुई थी, आज हमारे यहाँ के व्यापार को, यहाँ के युवाओं के रोजगार को, यहाँ तक कि जम्मू संभाग के लोगों के मताधिकार का भी लगातार जो है हड़पती जा रही है। जम्मू संभाग के अंदर गैर स्थानीय लोगों की तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। गैर स्थानीय लोगों को मत का जो अधिकार दिया गया है, अगर उसका कहीं असर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा जम्मू संभाग की सीटों पर देखा जाएगा। जम्मू संभाग के अंदर लगातार अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं, चोरी की घटनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ भ्रष्टाचार का बोलबाला है। तमाम माफिया, चाहे वो खनन माफिया हो, अपराध माफिया हो, नशा माफिया हो, तमाम माफिया अगर कहीं पर अपने पांव फैला रहा है तो वो जम्मू संभाग के अंदर। यहाँ तक के शांति प्रिय इलाका जो होता था जम्मू संभाग, आतंकवादी संगठनों ने भी यहाँ बहुत तेज़ी से अपने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। आज शिवसेना ने यहाँ पर ये ठाना है कि जो हमारा मंदिरों का शहर के नाम से जिसकी गरिमा थी, जो हम सिर ऊंचा करके कहते थे कि यह मंदिरों का शहर है, उसकी गरिमा को बचाएंगे, यहाँ के युवाओं को रोजगार दिलाएंगे, स्थानीय लोगों के और यहाँ के भूपुत्रों के अधिकारों को दोबारा बहाल करके दिखाएंगे, आज हम यहाँ पर शपथ लेते हैं। इसी शपथ के साथ हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता से सहयोग की अपील कर रहे हैं। आज हमने एक अभियान का आगाज किया है कि जम्मू को बचाना है और विश्वासघात करने वालों को सबक सिखाना है। जनता को जागरूक किया जाएगा, हमारे साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं, जनता के साथ जो विश्वासघात कर रहे हैं, हमारे अधिकारों का जो लगातार हनन कर रहे हैं, उनको उनका असली चेहरा दिखाया जाएगा, उनकी औकात दिखाई जाएगी, उनको सबक सिखाया जाएगा।